और ये वो विमान है जिससे 250 के जी के गोले गिराए गए थे। अभी मॉर्निंग चाय बना रहे हैं मैं और ब्रदर। बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है तो कैप्टन विक्रम बत्रा, इन वीर जवानों ने देश के लिए जान दी। ये देखो पानी है जिसमें बर्फ जमी पड़ी है। ठंडा इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस यही है अपनी थार पहुंची हुई है नमकीला पास पे। हम पहुंचे हुए फतुला टॉप, हम पहुंचे हैं मून लैंड में। ऊपर से पानी आ रहा है ना, वो ऐसे का ऐसा ही जम गया है। अपने को आई लव लद्दाख देखने को मिला है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज की सुबह हो गई है करीब 8:30 हो गए अभी, एंड मैं हूँ द्रास में। आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। लुक एट द व्यू गाइस, ठंडी रात में -10 डिग्री के आसपास थी। अभी मॉर्निंग चाय बना रहे हैं मैं और ब्रदर। हे ब्रदर गुड मॉर्निंग। ये चाय, इसमें वो अपने लौंग है, इसमें अदरक है, सौंफ और इलायची है। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। अभी रेडी वेडी हो चुके हैं, सारा सामान गाड़ी में पैक कर लिया है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं पहले तो, क्योंकि यहाँ पे नाइट में टेम्परेचर कल रात -10 डिग्री तक था। तो एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं भाई हो भी रही है कि नहीं। अरे भाई -10 को कुछ भी नहीं समझा गाड़ी में। ओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। सामने की साइड में माउंटेन देखो, पूरे वाइट है, काफी ठंडा है इधर। एंड अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई, इसको 10 मिनट कम से कम स्टार्ट रखते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे आगे। इसके बाद हम जा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए, थोड़ा सा वहां रुकेंगे। तैयारी कर ली है, ये भी थोड़ी सी दूर तो मेरे साथ जाएंगे, उसके बाद ये वापसी करेंगे आज। और इस प्रॉपर्टी पे कल हम दो ही जने थे। आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेके बाबे का नाम, हर हर महादेव। तो ये है द्रास की मार्केट। थोड़ा सा डीजल डलवा लेते हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सा ऑप्शन मिलेगा। कल से लास्ट टाइम हमने तेल डलवाया था, ये अंकल हमारे वीडियो में आ चुके हैं। आते सबसे पहले अंकल ने बोला खम्मा गणी साहब, खम्मा गणी। मैं एग्जैक्टली पंजाब से बॉर्डर पे पड़ जाता हूँ, पंजाब और पाकिस्तान। यहाँ का तेल का रेट है 87 रुपीज, और हम करवा रहे हैं गाड़ी का टैंक फुल। और आज का ब्लॉग बहुत ही एडवेंचरस होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं डायरेक्ट ले तक। रस्ते में बहुत नई नई चीजें और बढ़िया बढ़िया चीजें आएगी यार। दो आदमी होते हैं ना तो ट्रेवल में मजा आता है, एक पार्टनर होना चाहिए। कभी कभी सोलो भी चलता है, लेकिन नीरज भाई को काम है और उनसे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उनको यहाँ से वो वापसी करेंगे। हमारी गाड़ी है 4x4, तो बर्फ गिर गई तो भी हम कुल मिला के नॉर्मल बर्फ में सर्वाइव कर सकते हैं, और ज्यादा बर्फ गिर गई तो स्नो चेन चाहिए होगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब भी कुछ भी नहीं पता, रिस्क लेने के मामले में दीप ढाल एक नंबर है, आपको पता है इस चीज का। तो ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, लुक इधर मेन गेट है। एक टाइम में जंग हुई थी भारत पाकिस्तान की, कारगिल वॉर मेमोरियल। यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है 10 मिनट की इस हॉल में। एंड ये विजय पथ है, और ये वो विमान है जिससे 250 के जी के गोले गिराए गए थे। तो कुछ आर्मी मैन मिले हैं, दे आर फ्रॉम पंजाब। ये सामने के साइड में आप देखो कितना खूबसूरत, मतलब माउंटेन रेंज है, हर तरफ स्नो माउंटेन्स है, और इधर से टाइगर हिल दिखता है। वो जो सामने का जो माउंटेन है ना, वो हथियारों का यूज हुआ था जंग के दौरान। एंड ये देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये गन हिल है, इसको बोलते हैं गन हिल। यहाँ पे ब्लैक टूथ है, यहाँ गन हिल लगाई गई थी, यहाँ हम्प एंड टॉलिंग। आप पढ़ के हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस हथियार का यूज हुआ था, इसकी जानकारी यहाँ दी गई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा और इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। एंड अंदर की साइड में इनके जो लास्ट खत लिखे गए थे वो सब चीजें हैं। ये म्यूजियम बना है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। तो यहाँ आके बहुत ही प्राउड फील होता है, मतलब अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं यहाँ की चीजें देख के, यहाँ की चीजें सुन के, यहाँ के बारे में जान के। एंड वो सामने साइड में अमर जवान ज्योति, वो सारे शहीद जवान हैं, वो यहाँ पे शहीद हुए थे जंग के दौरान। यार यहाँ के मतलब मैं ज्यादा नहीं ब्लॉग कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे आओ, यहाँ के बारे में जानो। इन वीर जवानों ने देश के लिए जान दी, एंड कारगिल की जंग में भारत को जीत दिलाई। एक तरफ है ये देखो टाइगर हिल, एक रेनो हॉर्न, एक बत्रा टॉप, ये जंग के बाद नाम रखा गया था। और वो सामने की साइड में है, पहले वाली है टाइगर हिल, एंड सेकंड वाली है नोहोन, एंड थर्ड वन इज बत्रा टॉप। यहाँ पे जो जंग हुई थी, इस जंग के दौरान भारत के 539 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, एंड 1500+ घायल हो गए थे। एंड ये जंग 1999 में हुई थी, और जिसमें भारत की जीत हुई थी। वॉल ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो लोग यहाँ पे देखने आए हैं उन लोगों ने इस जगह के लिए दो बातें लिखी हैं, तो हम भी कुछ लिखना चाहेंगे। एक चीज आपको दिखानी थी, ये कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये देखो पानी है जिसमें बर्फ जमी पड़ी है, इससे आप हाथ धो सकते हो। इससे जस्ट इस पहाड़ी के उस तरफ एक मैदान है, और फिर आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पे टेम्परेचर अभी नेक्स्ट मंथ चला जाएगा -30 -35 तक।
बहुत ज्यादा ठंडा है, इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस यही है। अच्छा, उसके बाद जो ऊपर की हाई पोस्ट रहती है वहां टेम्परेचर रहता है -50 -55 जहाँ इंडियन आर्मी रहती है। बहुत बड़ी बात है यार, -50 -55 तक जाना, तो इसीलिए इसको इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस बोला जाता है। यहाँ से लेह है 279 किलोमीटर, यानी बहुत दूर है भाई लेह, हमें भगानी पड़ेगी गाड़ी। ये अपने ब्रदर और ये द्रास नदी, ये नजारे और ये नजारे देखो, अरे ये क्या है, झरना ही जमा पड़ा है। और इसका ना पानी बहुत क्लियर है और इसका जो ये कलर आ रहा है ना, ये बादलों से आ रहा है। नजारे बहुत ही सुपर अमेजिंग है। हे ब्रदर, हे बाय बाय बाय, टाइम टफ टाइम या। हाँ जल्दी हम कोई राइड वेट करेंगे साथ में, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम बाइक के साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम बाइक गाड़ी में है और मैं बाइक पे। हाँ तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन टफ हो रहा था, तो हमने अभी ये किया कि इनको वैसे भी जाना है, इनकी छुट्टियां कंप्लीट होगी, ये द्रास तक का सोच कहे थे। देन अलविदा दोस्त, मिलेंगे मिलेंगे। यो यहाँ मुझे यार टाइम ज्यादा लग गया, 1 बज गया है ऑलमोस्ट, तो रस्ते की जो ब्यूटी है ना वो खो देते हैं 5 बजे के बाद। तो आई हैव ओनली 4 आवर्स, तो 4 आवर्स तक मैं बढ़िया बढ़िया घूम सकता हूँ, लेकिन मेरे को पहुंचने में भी, मैं भी 6 घंटे बता रहा है तो 7-8 घंटा तो लगेगा, यानी कि मैं अंधेरे में ही पहुंचूंगा, तो आधा मेरा रास्ता है वो खराब हो जाएगा। तो वो हम आते टाइम शायद इसी रूट से आएंगे, तो आपको दोबारा दिखा देंगे। Guys, guys, look at the beauty of mountains. देखो लद्दाख अपने आप में एक अलग ही चीज है, एक अलग ही जगह। अभी कारगिल आने वाला है, तो कारगिल चेक पोस्ट होगी, वहीं कुछ आगे चल के देखते हैं खाने का। इधर के पहाड़ों का कलर ही चेंज हो गया है, पहले कुछ और ही कलर था, अब कुछ और हो गया है, मतलब हल्का हल्का कंट्रास्ट आपको देखने को पूरे ट्रिप में मिलता रहेगा, पूरे लद्दाख में, कहीं भी चले जाओ आप। जी सर कितने? 50 रुपया। ओके, सुरु रिवर जो कि कारगिल में जाके आई है, ये अपनी थार, अभी तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आज की मंजिल हमारी ले है, थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, 5-5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रुकेंगे, मतलब कारगिल में घुसने की जरूरत नहीं है, तो हमारा काफी टाइम बच गया। यहाँ से राइट में पूरा का पूरा कारगिल देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा नजारा है, और नीचे से बह रही है सुरु नदी, बहुत ही जबरदस्त नजारा। ये है जगह कारगिल, और कारगिल का नजारे लेते हुए हम जा रहे हैं वाया बाईपास होते हुए। इधर देखो माउंटेन की हाइट आ गई है इस तरफ से, तो मतलब वो देखो वो वहाँ पे पहाड़ का बस एंड ही है। कोई अच्छा सा ढाबा आए तो कुछ खाते हैं, क्योंकि कारगिल हमारा सीधा सीधा निकल गया, अब तो परोंठा ही पल्ले पड़ गया, अपने वो ही खाना पड़ेगा। अभी कारगिल से तो ऊपर आ गया हूँ मैं, और आगे चल के थोड़ा सा आगे चल के मुलबैक आएगा, जहाँ मैंने लास्ट टाइम स्टे किया था, वो जगह आएगी। और नजारे देखो आप, शानदार नजारे हैं चारों तरफ। इधर भी स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चलता फिरता कभी भी हो सकता है। तो विंटर टाइम है इधर यार, पानी वानी सब जमने लग गया है, तो यहाँ से परोंठा ऑर्डर दिया है, चाय पियेंगे, परोंठा खाएंगे, और उसके बाद निकलेंगे आगे ले के लिए। हमें मिल गया भाई तंदूरी परोंठा, ये एक जगह आई है कारगिल क्रॉस करने के बाद में, अपने को मिल गया पंजाबी भरा। सामने का स्ट्रक्चर कितना जबरदस्त है, एंड नीचे की साइड में यहाँ जाके हॉट स्प्रिंग वाटर निकलता है यहाँ पे रिवर के किनारे। मुलबैक में भी आप नहा सकते हो ऐसे हॉट स्प्रिंग वाटर से। एक छोटी सी शायद मॉनेस्ट्री बनी हुई है, एंड वो देखो वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले ये जगह नहीं बनी हुई थी, तो ये क्या पूरा दिखता था, अब ये छुप गया है। यहाँ ऐसे घर भी बने हुए हैं कच्चे कच्चे से, बड़ा खूबसूरत सा विलेज है, में घर कच्चे कच्चे बने हुए हैं, क्योंकि वैसे तो पत्थर के घर है, लेकिन बाहर की तरफ में मिट्टी से वो किया जाता है लेप, जैसे ये सामने ये वाला घर है, यह सब पे मिट्टी का लेप कर रखा है, तो उस वजह से क्या है अंदर गर्माहट रहती है। मतलब ऐसे कैसे पहाड़ है ये कच्चे कच्चे से, मतलब बिल्कुल ही मिट्टी सी लग रही है, ऐसे लग रहा है मिट्टी पड़ी है बस। उसने गाड़ी रोकी है ऐसे पहाड़ों को दिखाने के लिए। माउंटेन्स देखो यार किस तरीके के माउंटेन है ये, बिल्कुल कच्चे एंड मिट्टी कैसे, और उधर से तो शायद कोई रोड भी निकल रहा है, ऐसे ही रस्तों से होते हुए जंस्कार का रास्ता है, ऐसे से ही कच्चे से पहाड़ है जंस्कार की तरफ। सकते अपनी थार पहुंची हुई है नमकीला पास पे, एंड ऊपर की साइड में वो हाई पास है, एंड जगह का नाम है नमकीला टॉप। इधर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता होगा यार इस इलाके में, होता होगा क्या, अगर हुआ ना स्नोफॉल तो दीप ढाल यहीं फंस जाएगा, तो इधर माइनस आराम से 10 होगा,
मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले बाहर निकला था, हवा का वेग इतना खतरनाक है कि सिर ही घूम गए। एवरीवन, किस तरीके का ऊपर का पहाड़ देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड में आप देखो बिल्कुल फ्रोजन सी रिवर है, ऑलमोस्ट सारी बर्फ जमी पड़ी है, यानी कि कितनी ठंडी होगी। इधर की माउंटेन रेंजेस देखो किस तरीके की हैं, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ है, हवा टकराने से एक स्ट्रक्चर बन जाता है इनमें। ये का फ्लैग लहरा रहा है फोतुला टॉप पे, और ये अपना मॉन्स्टर, अपनी थार। हम पहुंचे हुए फोतुला टॉप। क्या का हाइट है 13,479 फीट एल्टीट्यूड। हवा बहुत बर्फीली चल रही है, हर तरफ स्नो माउंटेन से चारों तरफ बहुत ज्यादा ठंडी है। जहां भी पानी रुका हुआ है सारी नदियां जमी हुई है। सब एल्टीट्यूड 13,489 फोतुला टॉप। एंड अभी चलते हैं आगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। मैं हूँ अभी लामा यूरू में, एंड यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मॉनेस्ट्री है, बहुत फेमस मॉनेस्ट्री है यहाँ पे। हमें थोड़ा सा अंधेरा हो गया, बट यहाँ ऊपर की साइड में ये देखो मॉनेस्ट्री बनी हुई है लामा यूरू। इधर 11,893 फीट एल्टीट्यूड, ऊपर की तरफ 12,800 कुछ कुछ था। ये देखिए हम पहुंचे हैं मून लैंड में, काफी गजब की जगह है। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मून लैंड, इस जगह को बोला जाता है मून लैंड। एंड नीचे के साइड में वो रिवर देखो, उसमें भी बर्फ जमी है। मतलब यहाँ सब जगह जो पानी है ना वो तो सब जमा पड़ा है, तो इधर रुकने के ऑप्शंस वगैरह सब कुछ हट गए हैं। और मूनलैंड से अभी हमें आज कोशिश है कि हम लेह तक पहुंचे। जो इतने बड़े बड़े माउंटेन रेंज और बराबर में एक रिवर बह रही है, और हम जा रहे हैं अभी लेह की तरफ। और देखो क्या गजब वाला स्ट्रक्चर, और ये देखो लुक एट दिस गाइस। थार पहुंची हुई है, ये देखो किस तरीके के रास्ते हैं। इधर से जंस्कार को भी रास्ता जा रहा है, एंड इस तरीके के वैली के बीच में ये देखो किस तरीके की बर्फ देखने को मिली हमें। जो ऊपर से पानी आ रहा है ना वो ऐसे का ऐसा ही जम गया है। क्या गजब लग रहा है भाई, नीचे से रिवर बह रही है। ये एक चेक पोस्ट है यहाँ पे, जस्ट एंट्री लिया सर ने अपना। एंड आगे यहाँ पे मौसम देखो खराब हो रखा है, 2-3 दिन स्नोफॉल दिखा दिया। हाँ जी, कल से बर्फ है इधर, इधर भी होगी। हाँ मतलब जोजिला पास पे तो पक्का होगा। चलो कोई नहीं, तो हम तो जाके बैठ जाएंगे लेह में आराम से। अपने को आई लव लद्दाख देखने को मिला है, और ये अपनी थार पहुंची हुई है लद्दाख में। ये वो जगह आ गई है जहाँ पे इंडस और जंस्कार रिवर का संगम हो रहा है। ये है पत्थर साहब गुरुद्वारा, जो कि एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इसे इंडियन आर्मी संभालती है, आप देख सकते हो सेना के जवान यहाँ घूम रहे हैं। एंड ऊपर भी देखो एक ट्रैकिंग बनी हुई है छोटी सी, वो वहाँ पे कुछ चीज है, आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं हूँ। लास्ट टाइम आया था तब यहाँ दर्शन किए, एंड वहां तक करके आया था, तो ज्यादा नॉलेज नहीं है। अभी तो बाबा जी को इसी टाइम प्रणाम करते हैं और निकलते हैं। ये किसी का ड्रोन उड़ रहा है भाई, किसका है आई डोंट नो। तो अभी तो बाबा जी को यहाँ से ही प्रणाम करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। मैं ले पहुंच चुका हूँ, एंड थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह सर्च करेंगे। एक ही मेन रोड अभी टूरिस्ट नहीं है, सब सुना सुना हो रहा है यार। इधर साल एक हो गया है, ओहो ये तो बंद पड़ा है। अरे ये तो बाहर से ही बंद पड़ा है यार। जो भी अभी थोड़े बहुत ओपन है ना, उन्होंने अपने कॉस्ट इतनी बढ़ा रखी है। एक ही से पूछने गया था, कहता 4,500 रुपए। ये हो गया भाई ले में, कोई एक प्रॉपर्टी मिल गई यहाँ पे, एंड ऊपर का कोई रूम है ठीक ठाक है भाई, मिल गया। यहाँ रेट बहुत हो रखे हैं, बाकी कहानी रूम पे चल के बताएंगे।